Assalamu alaikum, my YouTube family. Umeed karti hu aap sab theek honge. Main aaj ki video mein aapko batane ja rahi hu ki baalon ko kaise straight karte hain. To aaj main aap sabse tip share karungi jo ki aapko bahut hi zyada helpful rahegi. Aur ha friend, main aap sabse bahut hi zyada zaruri baat share karna chahungi ki fabric iron se kabhi bhi baalon ko straight mat kijiyega. Ye bahut dangerous ho sakta hai. ये आपके बालों को तो जला सकता है साथ में आपकी बॉडी को भी जला सकता है तो इससे अच्छा है कि आप अच्छा सा स्ट्रेटनर खरीद लें तो अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमने बाल ड्राई करने जो कि बहुत ही वेट थे गीले बालों में कभी भी आयरन नहीं करना वरना आपके बाल जल सकते हैं तो अब इनके बाल जो हैं अच्छे से ड्राई हो चुके हैं अब हमने खुले दांतों वाला कॉम्ब लेना है और हमने कंघी की हेल्प से अपने सारे बालों के टैंकल्स निकाल देने हैं अच्छी तरह से टैंकल्स निकाल देने हैं अब हम टेल कॉम्ब से सेक्शनिंग करेंगे इनके बालों में अब हमने अच्छे से सेक्शनिंग करनी है सेक्शनिंग करने से आपके बाल अच्छे से स्ट्रेट होते हैं तो अब हमने थोड़े थोड़े बाल लेने हैं और स्ट्रेट करने हैं अच्छा जी तो इनकी सेक्शनिंग हो गई है अब हम आयरन करेंगे यहाँ पर मैंने क्यूने का आयरन लिया जो कि 2-in-1 है स्ट्रेटनर भी होते हैं और कर्ल भी होते हैं तो मैंने इनका टेम्परेचर सेट कर लिया 230 पर और ये बहुत ही अच्छा आयरन है और मैंने ये टेलकॉम लिया टेलकॉम की हेल्प से मैं आयरन करूँगी जो कि बहुत ही अच्छा है आप लोगों ने रूट से लेकर एंड तक ले आना है आराम आराम से और करना है बाल स्ट्रेट और ड्राई बालों में आयरन करने से आपके बाल अच्छे होते हैं आयरन और फ्रेंड्स और आप लोग डेली आयरन मत किया करें उससे आपके बाल टूटता भी है और ख़राब भी होते हैं आप लोग को कभी भी कोई ओकेजनल हो लाइक आपको कोई इवेंट हो तो तब आपने बाल स्ट्रेट करने हैं और मैं भी डेली यूज़ नहीं करती आयरन कभी कभी करती हूँ जब कोई इवेंट हो क्योंकि अपने बालों का ख्याल रखना चाहिए हमें और फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और ये हेल्पफुल होगी आपके लिए अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली आप सब लोग इसे सब्सक्राइब कर लें प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा एंड बी पॉजिटिव एवरीवन एंड स्टे हैप्पी एवरीवन और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों को मिल सके बालों को बहुत अच्छे से स्ट्रेट करना है आप इनको 2 या 3 दिन भी रख सकते हैं पानी से दूर रखें तो आपके बाल 3 दिन भी चल सकते हैं 1 वीक भी चल सकते हैं तो अब इनके बाल स्ट्रेट हो गए हैं और अब मैं मॉर्फोसिस का सीरम ले रही हूँ 2 ड्रॉप्स लूंगी और इनके बालों पे लगा लूंगी ये आपके बालों को स्मूथ करता है और सीरम लगाने से आपकी शाइनिंग आ जाती है और बहुत अच्छे से मॉइस्चराइजर हो जाते हैं तो अब आपके सामने इनका रिजल्ट है और लास्ट में कंघी जरूर करनी होती है और इनके बाल बहुत अच्छे स्ट्रेट हो गए हैं
और फ्रेंड्स अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। और तब तक अपना ख्याल रखें आप सब। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।